दोस्तों हमारे साथ फिलहाल राजेश सर मौजूद है। सर झुक झुक जियो आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? झुक झुक जियो ने मेरा दिल जीत लिया और मैं वो डायरेक्टर को यही कहना चाहूंगा कि आप झुक झुक जियो, कि आपने इतनी अच्छी मूवी बनाई। राज मेहता जिनकी हमने गुड न्यूज देखी थी और ट्रेलर देख के मुझे बहुत पसंद आया था, और जो रोल्स है अनिल कपूर हो या नीतू सिंह हो या जितने भी कलाकार हैं, मनीष पॉल, प्राजक्ता कोहली जो यूट्यूबर है उनका भी बहुत अच्छा रोल है, तो सबने अपने रोल्स के साथ जस्टिस किया और मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग है, एंजॉयबल है। म्यूजिक बहुत अच्छा है मूवी का, मतलब जितने भी गाने, एक तो हमारी फैमिली फ्रेंड है कविता सेठ जी, उन्होंने दिया है, और उनका बेटा कनिष्क, रंगी सारी जो गाना है जी, रंगी जी। सारी गुलाबी चुनरी आरे, ये क्लासिकल सॉन्ग है तो जी, तो जी। उन्होंने मतलब दोनों माँ बेटे ने कंपोज किया, वो हमारे फैमिली फ्रेंड है तो हाँ, उन्होंने इससे पहले कॉकटेल पिक्चर में गाने गाए हैं और एक तारा जो वेकअप से अपने गाना था, तो और बाकी जो मिथुन है कंपोजर और तनिष्क बागची, सबका बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और कॉमेडी है, इमोशंस है, ड्रामा है, फैमिली मूवी है, तो बहुत एंजॉय करेंगे आप। पिछली कुछ फिल्में जो हमने देखी बॉलीवुड की, कहीं ना कहीं इमोशन छूट जा रहा था, तो क्या यहाँ पर इमोशंस पकड़ के रखते हैं? बिल्कुल, इमोशन के साथ साथ कॉमेडी इतनी है, मतलब दो सवा दो घंटे की मूवी आप कहीं भी बोर नहीं होंगे और आपको शुरू से लेकर एंड तक आप एंटरटेन रहेंगे, तो एक कंप्लीट पैकेज है, म्यूजिक, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, सब कुछ है मूवी में और सबके बेहतरीन परफॉर्मेंस। क्या लगता है बहुत ही लेयर्ड सिचुएशनल आज के जमाने के हिसाब से फिल्म की, डाइवोर्स का साइड इफेक्ट सब अच्छे से बताया, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, मतलब आजकल की जो यू नो कॉन्टेम्प्ररी मुद्दे हैं कि हाउ पीपल ड्रिफ्ट अपार्ट, रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं होती, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो इस मूवी में ये दिखाया कि जब आप बहुत टाइम एक इंसान के साथ बिताते हैं तो यू गेट यूज टू दैट पर्सन, तो फिर वो प्यार कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस या प्यार करते आप बहक जाते हैं, यू हैव योर फीलिंग्स, यू नो यू ड्रिफ्ट अपार्ट, बट देन इफ योर लव इज ट्रू, इफ इट्स इटर्नल, द पर्सन विल कम बैक टू यू, और वही दिखाया अनिल कपूर और नीतू सिंह जी, इतनी एलिगेंट लगी, इतनी ग्रेसफुल लगी, इतना सटल रोल है उनका, नीतू सिंह जी का बहुत अच्छा लगा उनको देख के, और वरुण धवन की कॉमेडी बहुत अच्छी है, मनीष पॉल की कॉमेडी बहुत अच्छी है, प्राजक्ता कोहली का बहुत अच्छा रोल है, मुझे नहीं लगा था कि उनको इतनी स्क्रीन का रोल मिलेगी, तो ओवरऑल बहुत अच्छा, मतलब स्टोरी अच्छी, अनुराग सिंह की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, जय पटेल की एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, मनीष मोरे की, तो एक कंप्लीट पैकेज बोल सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, राज मेहता ने क्या ऐसा नहीं लगता आपको दो जनरेशन की प्रॉब्लम्स सिचुएशन सॉल्यूशन एक साथ दिखा दी? क्योंकि अनिल कपूर और नीतू सिंह एक जनरेशन है और वरुण धवन और के आर आडवाणी, ये बहुत बड़ा ये है जी। बट गुड न्यूज से जब उन्होंने मतलब उनसे हम एक्सपेक्टेशन थी कि गुड न्यूज जैसी मूवी उन्होंने बनाई थी इतनी एंटरटेनिंग, तो ये मूवी में तो इतने यंगस्टर्स आए थे, सबका दिल जीत गया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। सो फाइनली कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद है मूवी की सबसे ज्यादा? म्यूजिक बहुत बड़ा प्लस है, हर गाना आपके जहन में बच जाएगा, जैसे मैंने कहा रंगी सारी तो ऑलरेडी मेरे जहन में बच गया, उसके नाच पंजाबन गाना हो या कोई भी, मतलब ये मूवी का गाना, हर गाना एक ये है, डायलॉग्स अच्छे हैं, बहुत ही कॉमेडी डायलॉग्स हैं, कॉमेडी पंचेस है बीच में, तो एंटरटेन शुरू से लेके, और मनीष मोरे की एडिटिंग कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, वो बहुत अच्छा है, इट्स वर्थ फॉर मनी फॉर द ऑडियंस, डायरेक्शन बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू।